for the first time ever. Okay. Let's use the fancy button. ज़माने क्या बदल चुके हैं। Hi guys, Tanmay this side from Traveling Paji, और आप में से काफी लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि भाई आप होटल टूर दो, इतने बढ़िया से होटल में रुके हो। तो मैं ट्राइडेंट बीकेसी में रुका हुआ था जब मैं मुंबई गया हुआ था। अब ये ऑब्वियसली ये लॉकडाउन से पहले की बातें हैं, तो आइए आपको एक छोटा सा होटल टूर दे दें फैंसी होटल में कैसे देसी लोग रहते हैं। और हाँ यार, वीडियो को बिना देखे लाइक कर दिया करो यार, मतलब वीडियो शुरू होने से पहले अगर लाइक नहीं हुआ तो फिर देखना। तो होटल रूम जो है ट्राइडेंट, काफी अच्छा लगा भाई। कैसा रूम है? काफी अच्छा। मेरे को कल पता चला, कब इनका जब मेल आया ना, तो मेरे को पता चला ये ओबरॉय ग्रुप के अंदर आता है। अच्छा। हाँ, तो मैं पहली बार हम लोग ओबरॉय ग्रुप में स्टे कर रहे हैं। और सबसे पहले आप लोग देखो भाई, मुंबई में मेरा फोन गिरा दो। ये ऑल आउट की जगह पे आपने वो रखा हुआ अपना, तो फोन गिरेगा ही। सबसे पहले व्यू देखो आप, बढ़िया तगड़ा व्यू है ना। Nice. ये मुंबई का ना बीकेसी एरिया है। बीकेसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। दिस लाइक ऐसे शॉपिंग कर रहा हूँ, ऐसे कमर्शियल एरिया टाइप का है, जैसे गुड़गांव नहीं है अपना भाई। ये ना बहुत बढ़िया डील मिल गई, और 5 स्टार की ऐसी लग्जरी भाई कि एक चीज दिखाऊं बढ़िया करके। वेट फॉर इट, वी हैव अ फैंसी बटन, लेट्स यूज द फैंसी बटन। पूरे फैंसी वाले ब्लाइंड्स, फैंसी ब्लाइंड्स, ऑटोमेटिक, नहीं बटन दबाना पड़ता है एक। सीरियसली, अभी ऊपर हो जाएंगे अपने आप, ऊपर जाके रुक जाएंगे। सो कूल, नाइस। और बाकी वेलकम जेस्टर में पियर्स मिले हैं। और भाई ये देखो, जमाने क्या बदल चुके हैं। हैंड्स कामा के हैंड सैनिटाइजर आने लगे, मतलब कामा ने सोचा भाई हैंड सैनिटाइजर भी बनाने शुरू कर देते हम लोग। और वॉशरूम आपको दिखाऊं, वॉशरूम तो काफी खूबसूरत है। ये बाथटब है, वॉशरूम के अंदर भी वो फैंसी वाला बटन है। ये देखो, अभी मेरा फैंसी वाला बटन काफी नीचे है ना, ऐसे फोल्ड होके ऊपर हो रहा है। थोड़ा स्लो है इसका साबुन, बट बहुत सही है। जितना इसका साबुन चलता है मैं आपको और दिखाता हूँ। ये बाथटब है, जो आपका शावर एरिया इस डबल होता है, वहां पे वो सब नहाने धोने के लिए सामान वगैरह पड़ा हुआ है। बाकी तो ये सब फलाना ढिमकाना चीजें हैं जो कभी बार हम लोग यूज कर लेते हैं, कभी बार हम लोग रख लेते हैं बैकअप। भाई ये चीज दिखानी है मेरे को आपको, ये पकड़ो। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, ओके भाई, चल रही है अंदर। तो आपको पता है कुछ बढ़िया हो रहा है। तो प्रेस वगैरह करने के लिए तो है, पीलिंग, ये सब फलाना ढिमकाना है, तिजोरी है, तिजोरी के ऊपर मैंने अपना लैपटॉप रखा हुआ है, ये सब है। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, नाउ वी ओपन दिस। ओह माय गॉड, आज भरा हुआ है पहली बार। टॉनिक वाटर है आपके पास, कोक है, डाइट कोक है, फलाना ढिमकाना है आपके पास। दुबई में जो पानी पीते वो वाला है तो। हाँ, सारी चीजें आपके पास, आपके पास वाइन्स है, अल्कोहल है, और इनके रेट भी है। वाह वाह वाह। और थोड़ा सा और पीछे जाइए सर। ओके, तो होय होय होय, ये अपने मतलब की चीज है। पहले मैंने सोचा ये ऐसी ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, फिर मैंने इसको ये खोल के देखा, पता नहीं 200-300 का। 200-300 रुपए का, नाइस। वाह यार, नाइस। इस चीज को यूज करने के लिए 500 रुपए। ये मुझे नहीं पता क्या होता है। 500 रुपए लगेंगे पर इसको यूज करने के लिए। अच्छा, ये तो बड़ी फैंसी फैंसी जगह है, यहाँ पे बड़ी वैसी वाली चीजें भी है। फैंसी प्लेस गाइस, फैंसी प्लेस। पर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी नहीं ले, हम लोग फ्री वाले लोग हैं, क्योंकि भाई मुंबई हम लोग आए हैं सिर्फ और सिर्फ शूट करने वेजी बाजी पे। हर संडे गर्मियों में आती है मुंबई की गर्दी, तो मुंबई की गर्दी का शूट निपटाने के लिए आए हुए हैं। तो सोचा कि भाई सुबह से लेकर रात तक एकदम ऐसे काम करना ना, कि बस बस काम ही करते रहना। अभी देखो यहाँ पे भी प्लानिंग ही चल रही है काम की। ये देखो, अभी मैं वो अभी पूरा प्लानिंग व्लानिंग ही कर रहा था, कहाँ पे क्या खाएंगे। चेक आउट द पेंसिल, बढ़िया ना। स्टेडलर की पेंसिल भी चल जाती है। अरे ये मतलब जो इंस्टाग्राम देखते हैं वो लोगों, उन लोगों को पता है, रैप कर। मैं बड़ा खुश हूँ भाई, सुबह 8 बजे इन लोगों ने चेक इन दे दिया फ्री में। वरना किसी भी आप लग्जरी होटल में जाते हो ना, तो 2 बजे उनका चेक इन टाइम होता है, और वो 8 बजे अगर आप चेक इन करो तो आधे दिन के पैसे लेते हैं। बट अब क्योंकि कोरोना चल रहा है तो ठीक है, वन मैंस क्या कहते हैं उसको, वन मैंस प्रॉफिट इज अनदर मैंस लॉस, ऐसे कुछ। चलो जो भी है, बट बढ़िया है। अब निकलते हैं, शूट पे निकलते हैं, और आपको बीच बीच में शूट में अपडेट करते रहेंगे। मजेदार है। और बाकी यहाँ पे ये चीजें तो पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, आप पूरे देखेंगे ना तो मैं दिखाऊंगा इस होटल में और क्या है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3 दिन रुकने वाले हैं, तो रोज कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो जैसे एक्सप्लोर करेंगे आप लोगों को बताएंगे। व्यू बहुत बढ़िया है, पूल वाला है, बट कोविड का चक्कर है, तो वही है कि भाई सस्ता होटल मिल रहा है तो पूल भी बंद है।
पूल में सिर्फ हमारे जो है ना कबूतर ही नहा रहे हैं भाई, कबूतर ही नहा रहे हैं, मस्त है भाई, उनकी पूल पार्टी हो गया मस्त। रात का भी अच्छा लग रहा है काफी, लुक्स कूल। चलो भाई आ गए अपने रूम में वापस, हेक्टिक शूट था पर टाइम से वापस आ चुके हैं। ओए दरवाजा तो बंद कर दो। धूप आ चुकी है एकदम बढ़िया वाली, मुंबई में ना धूप बहुत पड़ती है 4-5 बजे तक। रुक जाओ, लेट मी शो यू द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रूम, दिस महान हस्ती वाला शावर। इस शावर में ये वाली चीज देखना, ये रात में दिखाऊंगा पर एक बहुत बढ़िया चीज है। शावर में मसाज फीचर भी है तो मस्त मसाज लिया, शावर मसाज एकदम तरोताजा हो गया। जहां पे 10 मिनट शावर लेके आना था वहां पे 20 मिनट शावर लेके आया, बहुत बढ़िया। रूम नया सा हो गया यार, मेरे को तो बिल्कुल भी आदत नहीं है। ओए आज संतरे दिए इन्होंने और पांडा पिलो एकदम ऊपर रखा है इस पे। नाइस गुड जेस्चर ट्राइडेंट। और इधर भी, ओ भाई ऐसा लग रहा है कि कभी पहली बार आ रहे हो इधर। नाइस सब बढ़िया, सही रहते हैं। बट मेरे को ना ऐसे अजीब सा फीलिंग आता कि नहीं साफ साफ कितना बढ़िया लग रहा है ना भाई। मेरे को ऐसे रूम सर्विस करवा के ना एकदम ऐसे वियर्ड सा फीलिंग आता कि मैं ऐसे छोड़ के गया था, किसी ने एकदम ऐसे पकड़ के साफ कर दिया। ऑल्दो अच्छा लगता है पर बहुत ऐसा वियर्ड सा फीलिंग आता है। आप लोग समझते होगे तो ना कमेंट करके बताना आपको ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं आता। कभी मम्मी रूम में आपके आ जाना तो एकदम ऐसे वाला फीलिंग आता है, वो एकदम अजीब सा फीलिंग लगता है ना कि मम्मी मैं तो गया था कमरा ऐसा था, आपने एकदम साफ कर दिया। अच्छी बात है पर वियर्ड लगता है एकदम। शावर में आपको दिखाता हूँ, अब तो शावर एकदम साफ हो गया है, ये बढ़िया चीज़ है कि अब मैं आपको एक्चुअली दिखा सकता हूँ कि भाई शावर में ना देखो पूरा साफ हो गया। ये देखो शावर में जूम मार के दिखाऊँ आपको, ये है नॉर्मल मोड, ये है मसाज मोड और ये है सॉफ्ट मोड। मैंने नॉर्मल मोड में नहा रहा था, फिर मैंने ऐसे करा, फिर इधर 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 से पानी आ रहा था भाई, ऐसा एक नंबर का मजा है ना। 10 मिनट नहाना था, 20 मिनट नहाया, बहुत बहुत बढ़िया था। मैंने एक फीचर पकड़ लिया पर मेरे को पता नहीं है इसका क्या यूसेज होता है। ये वॉल्यूम का नॉब है, मेरे को पता नहीं है कैसे चलेगा, अभी कर रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा पर मेरे को लग रहा है कि इसका और उस घड़ी का कोई ताल्लुक आता है। कांट गेट इनफ ऑफ दिस व्यू। इस होटल का आज हमारा ऑलमोस्ट लास्ट नाइट रहेगा, कल सुबह सुबह चेकआउट कर लेंगे। बहुत बहुत बढ़िया होटल था, बहुत ब्यूटीफुल व्यू था। रात में फिगर आउट करके वो वाला, ये वाला अलार्म वाला सिस्टम भी बताऊंगा क्या सिस्टम है, मैंने अभी तक खुद ही नहीं फिगर आउट करा। तो ये ना FM चलाता है, I think और भी कुछ करता होगा, अलार्म लगाता है, FM चलाता है, आई थिंक इसमें वैसे मेरे को दिख नहीं रहा। इतने फैंसी होटल में जिसके अंदर ऐसे मोटराइज वाले ब्लाइंड्स हैं उसके अंदर सिर्फ ये तो नहीं होगा, और कुछ चीज़ होगी, मैं फिगर आउट नहीं कर पाया। आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है गाइस मिलते हैं। यार ये मेरे को नहीं समझ आया, मेरे को इस रूम में बहुत कुछ समझ आया पर ये मेरे को लग रहा है मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, बट मैंने देख लिया कोई इसमें पोर्ट नहीं है, FM ही बचता है, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पे ये वॉल्यूम नॉब मैंने FM चला के भी देख लिया, मुझे नहीं समझ आया क्या है।